हेलो बिजियो मेरे लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बिजियो मई के अंदर आज हम लोगों की A9 की रॉयल पास ओपन हुई है, तो उसके अंदर वीक 2 में जितने भी मिशन है वन बाय वन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो RP के अंदर आप लोग देखो, मिशन के अंदर वीक 2 में आपको फर्स्ट मिशन देखने को मिलेगा, एलाइट यूज एंड्रोलाइन सीरन 6 टाइम इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में 6 बार आप लोगों को एंड्रोलाइन सीरन यूज़ करनी है और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे यहाँ पे अलाइट लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट तो हो जाएगा, बट इसको आप लोग कलेक्ट तभी कर पाओगे जब आपने रॉयल पास परचेस करी होगी। तो स्क्रीन के ऊपर गाइज आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे एक इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन का मतलब ही गाइज यहाँ पे एंड्रोलाइन सीरेंज है, ठीक है? तो ये आप लोगों को गेम में जैसे ही मिलती है तो इसको आप लोगों को यूज़ कर लेना है। उसके बाद सेकेंड मिशन है पिकअप स्मोक ग्रेनेड इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को 5 मैच के अंदर स्मोक ग्रेनेड पिकअप करने हैं और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे भी यहाँ पे अलाइट लिखा है, इसका मतलब वही है जो मैंने आपको फर्स्ट मिशन में बताया। स्किन के ऊपर आप लोग देखो, यही हम लोगों का स्मोक ग्रेनेड है जो कि आप लोगों को गेम में बहुत आसानी से इधर उधर कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल जाता है, तो इसको आप लोगों को उठा लेना है। इसके लिए आप लोगों को टोटल 5 मैच खेलनी पड़ेगी और 5 मैच के अंदर ही आप लोगों को स्मोक ग्रेनेड को पिकअप करना है। उसके बाद थर्ड मिशन यहाँ पे है एलाइट सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 60 मिनट इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को 60 मिनट सर्वाइव करनी है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे एक मटेरियल मिलेगा। इसी मटेरियल का यूज़ करके आप लोग 100 RP के आउटफिट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी गाइज एलाइट लिखा है, इसका मतलब वही है जो मैंने आपको फर्स्ट मिशन में बताया। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे क्लासिक के अंदर जो रैंक रहता है वो, और अनरैंक में क्लासिक रहता है, उसमें कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। जैसे जैसे आप लोग खेलते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम काउंट होता जाएगा और 60 मिनट होते ही आप लोगों का मिशन कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद है रिपीटेबल वीक 2 ओनली स्पेंड 60 मिनट इन मैचेस। तो गाइज मैच में 60 मिनट स्पेंड करने पे आप लोगों को 60 RP पॉइंट मिलेंगे। बट यहाँ पे रिपीटेबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग टोटल 6 बार रिपीट कर पाओगे और हर बार 60-60 करके आपको 360 RP पॉइंट तक मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक लगा के खेलो, अनरैंक खेलो, एरिना खेलो, अदर्स खेलो, जितने भी मैप आप लोगों को दिख रहे हो उसमें से कोई सा भी मैप खेल सकते हो। जैसे जैसे इसमें खेलते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम काउंट होता जाएगा और 60 मिनट होते होते ही आप लोगों का मिशन कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड बूस्ट एलिमिनेट चैन एनिमिस विद SL राइफल इन पोचिंग की इरंगल इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को इरंगल मैप के अंदर पोचिंग के नाम के लोकेशन पे SL राइफल से 10 एनिमी मारने हैं और इसके 150 RP पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके आगे यहाँ पे फ्रेंड बूस्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे तो आपका फ्रेंड अगर गेम में मिशन करता है तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक में फर्स्ट नंबर पे इरंगल है तो थीम मोड ऑन ऑफ करके आप लोग खेल सकते हो या फिर अनरैंक वाले इरंगल लगा के भी आप लोग खेल सकते हो। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को पोचिंग की लोकेशन दिखा दूँ। तो गाइज यहाँ पे मैप के अंदर आप लोग देखोगे तो सेंटर में आप लोगों को पोचिंग की लोकेशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा लोकेशन है। तो ये पूरा लोकेशन पे आप लोग जाके कहीं पे भी SL राइफल से एनिमी मारोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को SL राइफल भी दिखा देती हूँ। गाइज यहाँ पे SL राइफल का मतलब AR गन है। गन के अंदर आप लोग देखोगे तो AR के अंदर AKM है, M16A4 है, उसके बाद स्कायरल है, M416 है, उसके बाद ग्रोजा है, उसके बाद ऑग है, नेक्स्ट यहाँ पे QBZ है, उसके बाद M762, MK47, हनी बेजर, फॉर्मस और S32। तो जितने भी गन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल के बताए वो सारी गन से आप लोग पोचिंग में एनिमी मारोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की बात करें। तो इसके अंदर लिखा है फ्रेंड बोनस अवेल मोर देन 2000 मीटर रीडिंग अ स्पेसिफिक व्हीकल कूप आरबी इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को कूप आरबी व्हीकल के अंदर 2000 मीटर ट्रैवल करना है और इसके आपको 60 RP पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके आगे यहाँ पे फ्रेंड बोनस लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे करोगे रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ तो आपको 30 RP पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि मैप में रैंक करने कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। कूप आरबी गाइस हम लोगों का एक व्हीकल है जो कि आप लोगों को यहाँ पे सेडान के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वाली गाड़ी आप लोग अच्छे से देख सकते हो, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। इसके अगले वाला वीडियो भी आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है। तो इसी व्हीकल को आपको ट्रैवल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मिशन यहाँ पे है टीम बूस्ट विन 3 मैचेस वाइल इक्विपिंग स्पेशनल हेलमेट लेवल 3 विथ टीम मेट इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में लेवल 3 का हेलमेट पहन के आप लोगों को 3 मैच जीतनी है और इसके आपको 60 RP पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके आगे यहाँ पे टीम बूस्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग सोलो में करोगे
तो भी होगा, बट इस मिशन को आप लोग डुओ या स्क्वाड में करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे जो टीममेट होगा ना, वो भले आपका फ्रेंड हो या फिर कोई ऑटो मैचिंग वाला बंदा, अगर वो भी यहाँ पे स्मैशनर्स हेलमेट पहन के मैच विन करता है तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए रैंक करने कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। स्किन के ऊपर जो आप लोगों को यहाँ पे हेलमेट दिख रहा है वही हम लोगों का थर्ड लेवल का हेलमेट है, जो आप लोग ड्रॉप के अंदर से ले सकते हो और हॉट ड्रॉप लोकेशन से भी ले सकते हो। अगर फिर भी आपको जल्दी से ना मिले तो आप लोग शॉप के अंदर से भी परचेस कर सकते हो, और इसी को पहन के आप लोगों को लास्ट तक टिकना है और मैच जीतनी है। मैच आप लोग अगर यहाँ पे जीतते हो और ये हेलमेट पहना होगा तो आपका मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मिशन है फिनिश 5 enemies विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को हेडशॉट से 5 enemy मारने हैं और इसके आपको 60 RP पॉइंट मिलने वाला है। तो गाइस जैसे ही आप लोगों को कोई रियल बंदा या बोर्ड देखता है तो उसके माथे पे आप लोगों को मारना पड़ेगा, उसके माथे पे हेड पे आप लोग मारोगे और बंदा मर जाता है तो समझ लेना कि आप लोगों ने हेडशॉट से बंदा मार दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है एंटर द क्रिशमन कैसल 2 times इन क्लासिक मोड क्रिशमन मून अवेकिंग। तो गाइस यहाँ पे जो क्रिशमन मून अवेकिंग मोड है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे क्रिशमन कैसल नाम के लोकेशन पे 2 times एंटर करना है और इसके आप लोगों को 60 RP पॉइंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक में आप लोगों को इरंगल सैनहॉक लिविक में क्रिशमन वाला मोड देखने को मिलेगा, या फिर अनरैंक में भी आप लोग यहाँ पे इरंगल सैनहॉक लिविक के अंदर न्यू मोड देख सकते हो। इसमें से कोई सा भी लगा के आप लोग खेल सकते हो। मैप के अंदर गाइस आप लोगों को टोटल 2 बड़े लोकेशन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे एक क्वेरी के पास है और दूसरा यहाँ पे स्टेलबर्ट के पास है। तो दोनों में से किसी भी लोकेशन पे आप लोगों को यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही आप लोग इस लोकेशन के अंदर एंटर करोगे तो आप लोगों का मिशन काउंट हो जाएगा। आप लोग दोनों लोकेशन पे एक एक बार चले जाना ताकि आप लोगों के यहाँ पे एक ही गेम में मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की बात करें तो इसके अंदर लिखा है week 2 only log into the game on total of 3 days। तो guys यहाँ पे जब week 2 officially आप लोगों का start हो जाएगा तो week 2 में total 7 days हैं, तो 7 में से 3 दिन आप लोग गेम को ओपन भी करोगे तो आपका मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद है फिनिश 1 enemy विथ स्कारल इन क्लासिक मोड। तो स्कारल से आप लोगों को क्लासिक मोड में 1 enemy मारना है और इसके आपको 30 RP पॉइंट मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग कोई सा भी मैप लगा के खेल सकते हो। स्कारल गन हम लोगों की एक तरीके से एयर गन है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखो इसी गन से आप लोगों को 1 enemy मारना है। 1 enemy मारते ही आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है फिनिश इन द top 10 इन लिविक 1 time इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में लिविक मैप है, उसके अंदर आप लोगों को एक बार यहाँ पे top 10 में आना है और इसके आपको 30 RP पॉइंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक में लिविक मैप है तो थीम मोड ऑन ऑफ करके खेल सकते हो, या फिर अनरैंक के अंदर भी लिविक मैप है तो उसको भी आप लोग थीम मोड ऑन ऑफ करके खेल सकते हो। इस मिशन को आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो। लिविक मैप छोटा है इसलिए top 10 में आना बहुत ही ईजी है। आप लोग #1 से लेकर #10 के बीच में आओगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट और आखिरी मिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट 1 match विथ फ्रेंड इन एनी मोड। तो किसी भी मोड में आप लोगों को फ्रेंड के साथ 1 match कंप्लीट करनी है जिसके आपको 30 RP पॉइंट मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी बंदे को बुलाओ और उसी के साथ आप लोगों को गेम को खेलना है। आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक करने कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। एक गेम सिर्फ फ्रेंड के साथ खेल लोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस मैंने सारे मिशन आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। किसी भी मिशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो मैं आप लोगों को मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं हर एक पे सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। और अभी के लिए वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।